ताल संबंधी पारिभाषिक शब्दावली। नंबर वन, मात्रा। संगीत में समय के माप का सबसे छोटा पैमाना मात्रा है। जिस प्रकार घंटे बताने के लिए मिनट, लंबाई को मापने के लिए मीटर और भार को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार संगीत में मात्रा एक ऐसी इकाई है जिसके माध्यम से ताल को मापा जा सकता है। पेज 44। मात्रा को इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे यदि एक समान गति में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते जाएं, तो प्रत्येक संख्या गिनने में जो समय व्यतीत होगा वह एक मात्रा होगी। इसको और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम कह सकते हैं कि घड़ी के प्रत्येक सेकंड की टिक टिक एक मात्रा के समान समझी जा सकती है। इन भिन्न भिन्न मात्राओं के समूह से विभिन्न तालों का निर्माण होता है। जैसे 16 मात्रा से 3 ताल की रचना हुई और 8 मात्रा से कहरवा ताल की रचना हुई है। गाते अथवा बजाते समय एक मात्रा का समय गायक अथवा वादक की इच्छानुसार निश्चित होता है। विलंबित लय में मात्रा का समय अधिक होता है, मध्य लय में समान और द्रुत लय में मात्रा काल बहुत कम होता है। नंबर 3, विभाग। ताल के पूरे आवर्तन को निश्चित भागों अथवा खंडों में विभाजित किया जाता है। ताल के इन भागों को विभाग कहा जाता है। जैसे 3 ताल की 16 मात्राएं हैं। इन 16 मात्रा के एक आवर्तन को 4-4 मात्रा के 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 मात्रा का एक भाग विभाग कहलाता है। प्रत्येक ताल के विभागों तथा प्रत्येक विभाग की मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। जैसे कहरवा ताल की 8 मात्राओं में 4-4 मात्रा के 2 विभाग हैं, दादरा ताल की 6 मात्राओं में 3-3 मात्रा के 2 विभाग और झप ताल की 10 मात्राओं में 2-3-2-3 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। एक विभाग की 2, 3, 4 अथवा 5 तक मात्राएं भी हो सकती हैं। प्रत्येक विभाग की पहली मात्रा पर ताली अथवा खाली दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए 3 ताल के 4 विभाग हैं। पहले विभाग की पहली मात्रा पर सम या पहली ताली है। दूसरे विभाग की पहली मात्रा पर दूसरी ताली है। तीसरे विभाग की पहली मात्रा पर खाली और चौथे विभाग की पहली मात्रा पर तीसरी ताली होती है। पेज 45। ताल के यह विभाग ताल को समझने में सहायक होते हैं। ताल के चलते समय इन विभागों से ताल का सही अंदाजा होता रहता है और सम के आने का पता चलता रहता है। ताल को लिखते समय ताल के विभागों को खड़ी रेखा के द्वारा दिखाया जाता है। नंबर 6, सम। जिस मात्रा से ताल का आरंभ होता है उसको सम कहा जाता है। ताल का सम ताल की पहली मात्रा पर होता है। ताल में सम का विशेष महत्व होता है। किसी भी गायन या वादन के साथ ताल की संगति सम से प्रारंभ की जाती है और समाप्ति भी सम पर ही की जाती है। गायन या वादन चलते समय ताल के सम का अपने आप पता चलता रहता है, क्योंकि सम पर एक विशेष प्रकार का जोर दिया जाता है जिससे गायन वादन का सौंदर्य बढ़ता है। पेज 46। गाते या बजाते समय कलाकार जब सम में आकर मिलते हैं तो एक विशेष आनंद का अनुभव होता है। सम पर आकर अनजाने ही श्रोताओं के सिर, हाथ, पैर अथवा शरीर का कोई अंग हिलने लग जाता है। इसीलिए सम को ताल का प्राण कहा गया है। स्वर लिपि में सम को दिखाने का चिन्ह क्रॉस है। नंबर 7, ताली। गायन या वादन के साथ हाथ से ताल देते समय ताली का प्रयोग किया जाता है। ताल की जिन मात्राओं पर ताली लगाई जाती है उसको ताली अथवा भरी कहा जाता है। ताली ताल के प्रत्येक विभाग की पहली मात्रा पर होती है। इसको धा अथवा धिन जैसे बोलों से दिखाया जाता है। ताल के सम के अतिरिक्त ताली को भी जोर से दिखाया जाता है। ताल में 1, 2, 3 अथवा इससे अधिक तालियां भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 3 ताल की 16 मात्राएं हैं। इसकी पहली मात्रा पर सम है। सम के अतिरिक्त 5वीं और 13वीं मात्राओं पर जो तालियां दिखाई जाती हैं, उन्हें ताली कहा जाता है। ताली ताल के भिन्न भिन्न भागों की पहली मात्रा पर दिखाई जाती है।
सम और ताली दोनों को हाथ से ताली देकर दिखाया जाता है, परंतु सम पर आकर अन्य तालियों से अधिक जोर दिया जाता है। गाते अथवा बजाते समय हाथ से ताली का संकेत करके ताली को दिखाया जाता है और स्वर लिपि में लिखते समय ताली को 2, 3, 4 आदि गिनती द्वारा दिखाया जाता है और स्वर लिपि में लिखते समय ताली को 2, 3, 4 आदि गिनती द्वारा दिखाया जाता है। नंबर 8, खाली। ताल विभागों की जिस पहली मात्रा पर ताली नहीं दी जाती उसे खाली कहते हैं। खाली का संकेत देने के लिए हाथ को हटाकर अथवा जरा सा दूर करके दिखाया जाता है। बजाते समय खाली के लिए प्रायः ता अथवा तिन बोलों का प्रयोग किया जाता है और इन बोलों पर थाप नहीं दी जाती। खाली का स्थान साधारणतः ताल की मात्राओं के मध्य में होता है, जैसे 3 ताल की 16 मात्राएं हैं और खाली 9वीं मात्रा पर होती है। कहरवा ताल की 8 मात्राएं हैं और खाली 5वीं मात्रा पर होती है। दादरा ताल की 6 मात्रा हैं और खाली 4थी मात्रा पर है। ताल के चलते समय खाली से ताल का सही अंदाजा रहता है और साम के आगमन का पता चलता रहता है। कुछ तालों में 1 से अधिक खालियां भी होती हैं। ताल लिखते समय खाली को 0 के चिन्ह से दिखाया जाता है। खाली को लिखने का यह चिन्ह खालीपन का संकेत करता है। आरोह अवरोह। स्वरों को नीचे से ऊपर की ओर अर्थात मध्य स से तार संग की ओर गाने को आरोह कहते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी संग। आरोह में स्वर चढ़ते क्रम में होते हैं, अर्थात स्वरों की आवाज एक के पश्चात एक क्रमिक ऊंची होती जाती है। आरोह के विपरीत स्वरों को ऊपर से नीचे की ओर अर्थात तार सन से नीचे मध्य स पर वापस आने को अवरोह कहते हैं, जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा। अवरोह में स्वर उतरते हुए क्रम में गाए जाते हैं, अर्थात एक के पश्चात दूसरे स्वर की आवाज क्रमिक नीची होती जाती है। साधारण भाषा में आरोह का अर्थ है स्वरों का चढ़ाव और अवरोह का अर्थ है स्वरों का उतराव। गाने अथवा बजाने में ये दोनों क्रियाएं बार बार होती हैं। राग के नियमानुसार राग में आरोह अवरोह का होना आवश्यक माना गया है। केवल आरोह अवरोह से ही एकदम राग का स्वरूप सामने आ जाता है, जैसे राग भूपाली का आरोह अवरोह इस प्रकार है। आरोह सा रे गा पा धा सा, अवरोह सा धा पा गा रे सा। आरोह अवरोह से राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही वर्जित स्वरों से राग की जाति का भी पता चलता है। साधारणतः सभी रागों का आरोह मध्य स से आरंभ होता है, क्योंकि स स्वर रागों का आधार स्वर है। परंतु किसी राग में राग के चलनानुसार स स्वर को छोड़कर नी स्वर से भी राग का आरोह आरंभ किया जाता है, जैसे यमन अथवा कल्याण राग की आरोह में सा रे गा कहने की अपेक्षा नी रे गा कहा जाता है। ऐसा करना राग के चलन पर निर्भर करता है।